अच्छा मैं एक टेक्निक पढ़ेंगे जो साइकोलॉजिस्ट जो है ना उनके लिए मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है तो इस टेक्निक का नाम है स्विश पैटर्न क्या नाम है इसका स्विश पैटर्न ठीक है तो इसको स्विश इसलिए कहते हैं कि जब हम एक बिहेवियरल चेंज कर रहे होते हैं और जो चेंज होने के करीब होती है तो हम एक साउंड निकालते हैं जिसे हम स्विश कहते हैं ठीक है हम ऐसी साउंड निकालते हैं जिससे बिहेवियर एक चेंज हो जाता है तो इसीलिए जो डिस्कवरर है उसने इसका नाम क्या रखा है स्विश पैटर्न रखा है ठीक है तो कुछ हमारे लैंग्वेज पैटर्न ऐसे होते हैं जिनको आप इस तरह स्विश करके निकाल सकते हैं हमारे कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं इस टेक्निक के पीछे जो आप ये समझ लें कि स्कूल ऑफ थॉट या थ्योरी है वो तीन चार पॉइंट या प्री सपोजिशन हैं वो आप जरा देख लें कि इसकी प्री सपोजिशन क्या है ये टेक्निक किस प्री सपोजिशन पर काम करती है एक तो इसकी प्री सपोजिशन ये है के जो आपका जितने भी आपके बिहेवियर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन यूर सबकॉन्शियस माइंड ठीक है सो इफ यू वांट टू चेंज एनी बिहेवियर यू विल गो इनटू टू द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द क्लाइंट उस पर्सन के आप सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाएंगे एक प्री सपोजिशन ये है और इस बताने का मकसद ये कि जब आप ये टेक्निक इस्तेमाल करें तो इस प्री सपोजिशन को एंटरटेन करें कि क्या वो हैं अगर वो हैं तो फिर आप टेक्निक कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते या करेंगे तो उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा सो so, इसका मतलब है कि जब ही हम टेक्निक कर रहे हो तो हम क्लाइंट को किस फॉर्म में लेके आए सबकॉन्शियस माइंड में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैंने आपको कौन सी बताई है इपनौसिस। आप हिप्नोसिस में लेके आए क्लाइंट को अगर आप ये हिप्नोसिस के बगैर भी हो सकती लेकिन हिप्नोसिस के बगैर करेंगे तो उसका इफेक्ट कम आएगा पॉइंट क्लियर सो मैंने अगर मेरी आपको लफज याद हो एन तो एल किसी एक चीज का नाम नहीं एनएलपी एक पूरा पैकेज है तो आपने हर हर टेक्निक खास टाइम पॉइंट पे लगाएंगे तो वो प्रोसेस जल्दी एग्जीक्यूट होगा और इफेक्टिव एग्जीक्यूट होगा पॉइंट क्लियर सो so, पहली प्री सपोजिशन को हम एंटरटेन करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए क्या चीज लाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में आप लेके ठीक है तो सबकॉन्शियस माइंड में हम लेके हैं। दूसरा ये कि एक प्री सपोजिशन और है उस प्री सपोजिशन का नाम ये है कि योर सबकॉन्शियस माइंड प्रेफर स्ट्रक्चर्स एंड इमेजेस देन वर्ड्स प्रेफर स्ट्रक्चर्स एंड इमेजेस देन वर्ड सो अगर आप किसी का एक बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं और आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में भी ले आए सब कॉन्शियस माइंड में अगर आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि आप कहते हैं कि ठीक है आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं क्या हो रहे हैं कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ठीक है तो सिर्फ वर्ड्स से अगर आप कॉन्फिडेंस का लफज इस्तेमाल करके उसको सजेस्ट करेंगे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा क्यों योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन वर्ड्स वर्ड्स को इतना इंटरटेन नहीं करता हां लेता है लेकिन इतना इंटरटेन नहीं करता उसमें जो एक्सपीरियंस बनेगा ना वर्ड्स का वो बहुत लाइट सा होगा रिलैक्स होने के चांसेस ज्यादा सो इफ यू वांट टू सजेस्ट द सबकॉन्शियस माइंड गिव सम स्ट्रक्चर विद द वर्ड्स जैसे हम स्ट्रक्चर कैसे देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम बच्चे को ए जब हम सिखा रहे थे तो, तो हम क्या कहते हैं ए आर एप्पल दिखाते हैं पिक्चर में कि ये ए फर एपल है तो उसकी जो एसोसिएशन बनती है वो बेसिकली इमेज याद करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स को इतना इंटरटेन नहीं करता किस को इंटरटेन करता है इमेज yeah. को इसी तरह जो एजुकेशनस्ट हैं जब वो ए बी सी या इस तरह के स्टार्ट में प्राइमरी एजुकेशन में चीज़ें बनाई जाती हैं तो दे पुट समथिंग एज ए इमेजनरी आप साथ, साथ कोई इमेज लगाते हैं और अक्सर आपने टीचर की जब प्रेजेंटेशन देखते हैं तो जब इवन आप बड़े भी हैं ना जब आपको कोई चीज समझाई जा रही होती तो आप उसके साथ एक इमेज भी डाल दें जैसा मैंने स्विश पैटर्न लिखा हुआ तो साथ एक इमेज भी रखा हुआ तो ये स्विच पैटर्न आपकी लर्निंग मेमोरी में ज्यादा इंटरटेन होगा अगर ये इमेज के साथ है अगर इमेज के बगैर मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है उतना इंटरटेन ना आप करें पॉइंट क्लियर सो जब हम स्विश पैटर्न टेक्निक करेंगे तो वो टेक्निक के साथ हम स्ट्रक्चर भी ड्रा करवाते हैं क्लाइंट से ताकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यू आर सबकॉन्शियस माइंड एंटरटेन इमेजेस एंड स्ट्रक्चर्स मोर एज कंपेयर टू वर्ड्स ये कितनी प्री होगी अभी दो, दो. तीसरी प्री सपोजिशन ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इन नेवर एंटरटेन नेगेटिव सेंटेंसेस हमने ये तीन इंपॉर्टेंट प्री सपोजिशन को हम इस्तेमाल भी करेंगे आपको मैं करके दिखाऊंगा कि ये तीसरी प्री सपोजिशन मैंने क्या बताई है कि आपका देखें जब आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में ला के स्विश पैटर्न टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जब आप क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे कि ये आपका बिहेवियर अब चेंज हो रहा है तो आप अपने मैसेज के अंदर नेगेटिव लाइंस नहीं डालेंगे बिकॉज नेगेटिव लाइंस आर नॉट प्रोसेस्ड बाय द सब कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड ओनली एंटरटेन पॉजिटिव लाइन अब यहां पर पॉजिटिव लाइन और नेगेटिव लाइन को मैं डिफाइन कर देता हूं कि उसका मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपके पास आता है वो कहता है कि जी आई एम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है तो मैं उसको एक सेशन देता हूँ और उस सेशन के दौरान मैं उसे सजेस्ट करता हूँ कि अब आपको अब आपको ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ये फिक्रा किस सेंस में है नेगेटिव सेंस में अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं को एक्सेप्ट नहीं करता नहीं को इसके ऊपर मैं आपको कोई मिसाल देता हूँ आप थोड़ी देर के लिए मुझे ज़रा टाइम देंगे इधर स्टेज पे काइंडली जी आप काइंडली तरह वीडियो के सामने ठीक है आप स्कूल में कभी होंगे ठीक है तो हो सकता आप आ, को किसी ने बुली किया हो या आपने किसी को किया हो स्पेशली हम बुली उस बच्चे को करते हैं जिसका कद ज्यादा छोटा हो या ज्यादा पतला हो या मोटा हो या उसका कलर डार्क सा हो जिसे हम काला कह देते हैं काला कह देते हैं मोटा कह देते हैं पतलू कह देते हैं ऐसे है ना आपने ज़रूर अपनी स्कूल लाइफ में कोई ऐसा बच्चा देखा होगा फर्ज करें हम क्लास के सामने मैं आपको सर चले पतला कहना शुरू कर देता हूं कि आप पतलू हो ठीक है आप माइंड करते हो क्या करते हो माइंड करते हो फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपको कहता अच्छा ठीक है आज के बाद मैं आपको पतला नहीं कहूँगा आज के बाद मैं आपको पतला आज के बाद मैं आपको सबके सामने मैं कह रहा हूँ लेकिन आप अंदर से फील क्या कर रहे हैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं को एंटरटेन ही नहीं करता yes, okay. उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं को एंटरटेन ही नहीं करता पॉइंट yes, क्लियर है इसको यह कहने के बावजूद आप एक अल्टरनेट लाइन देंगे तो यह इसको ज्यादा अच्छा लगेगा आप पतले वाले कॉन्सेप्ट में रहें ना कोई और अच्छी सी बात इसके बारे में कर दें फॉर एग्जांपल यह मैंने आपको टेक्निक लास्ट टाइम सिखाई थी कि जब भी आप किसी में एक बिहेवियर चेंज कर लें तो उस बिहेवियर के बारे में आपने इवन बात भी नहीं करनी hmm. आप कोई और अल्टरनेट बात करें जिससे हम टेक्निकली एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी जिसे हम ब्रेक द स्टेट कहते हैं क्या कहते, yes, कहते हैं तो तीसरी प्री सपोजिशन हमारी क्या है कि योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर एंटरटेन नेगेटिव सेंटेंसेस तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लाइंट आता है तो वो कहता है जी मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मैं चाहता हूं कि मुझे गुस्सा ना आए गुस्सा जब आप उसको सेशन दे रहे होंगे तो जब आप उसको ये सजेस्ट करेंगे कि आइंदा आपको गुस्सा नहीं आएगा तो बेसिकली उसे आएगा, आएगा। क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड नहीं को एंटरटेन सो आप उसके लिए एक अल्टरनेट लाइन चूज करेंगे आप उससे ये पूछेंगे अच्छा आपको आप क्या चाहते हैं फर्ज करें इसी सिनेरियो में आप मुझे बताएं गुस्से के सिनेरियो में आप क्या चाहते हैं? कि मैं ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यार अपने गुस्से काबू और गुस्सा गुस्सा ना करूं। ना रहूं देखें पॉजिटिव लाइन आपने उससे लेनी है और वो आपने उससे लेने हैं जो वो चाहता है वर्ड्स हैं बिकॉज जब आप उसको सेशन दे रहे होंगे और आप अपनी मर्जी से वर्ड्स बोलेंगे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है उस वर्ड्स को एंटरटेन ही ना करे फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा जो है बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानता ठीक है बिल्कुल उर्दू नहीं जानता ये पश्तो जानता तो मैं जब आप इसको सेशन दे रहा हूँ तो मैं इसे कहूँगा कि अगर मैं ऐसा कहूँगा कि आप इन फ्यूचर यू विल बी फीलिंग पेशेंस इन योर लाइफ तो ये क्या समझेगा कुछ भी नहीं क्योंकि इसके सब कॉन्शियस माइंड में पेशेंस का मीनिंग ही नहीं है तो आपने इससे वो वर्ड्स सुनने हैं पॉजिटिव वर्ड्स वो सुनने हैं जो ये इसका माइंड चाहता है हो सकता है वो देसी लैंग्वेज में कुछ भी कहे कि मैं मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं पुरसकून रहूँ हो सकता है रिलैक्स का लफ्ज़ यूज़ कर ले अगर उसको उसका माइंड एंटरटेन करता है सो so, आपने जब उसका सजेशन बनाना है ना तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द क्लाइंट होना चाहिए जो वो वर्ड्स कहता है कि मैं हाँ ये मैं चाहता हूँ हाँ, अगर वो ये चाहे जिसमें नेगेटिव लाइन आए तो उसे कहें नहीं इसके बदले में आप क्या चाहते हैं नेगेटिव लाइन आपने नहीं सुनी क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में अगर नेगेटिव लाइन में मैसेज देंगे तो वो एंटरटेन नहीं होगा फिर वही होगा फिर बैठे मैं इसके ऊपर एक आपको और मिसाल जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं कि आइंदा आपने सिगरेट नहीं पीनी आइंदा आपने गुस्सा कभी ये सही हुआ इस तरह

ये आपका कोई बैड सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सी सिचुएशन बैड बैड सिचुएशन क्या है कि आप फर्ज करें आपका एक क्लाइंट आता है कि जब मैं इस इस सिचुएशन में होता हूँ इस जगह पे होता हूँ दोस्तों में होता हूँ तो मैं अच्छा फील नहीं करता सपोज इस सिचुएशन के साथ आ रहा या किसी परफॉर्मेंस को आप बेहतर करना चाहते हैं कि जब भी मैं क्रीज़ पर जाता हूँ मैं क्रिकेट खेलना शुरू करता हूँ तो मेरे से स्कोर नहीं बनता एक ख़ास स्टेडियम में फर्ज करें मैं क्लब क्रिकेट खेलता हूँ तो बहुत अच्छी खेलता हूँ जैसे एक इंटरनेशनल मैच खेलने आता हूँ तो मेरे से खेला नहीं जाता मैं पहली बॉल पर आउट हो जाता हूँ पॉइंट क्लियर तो परफॉर्मेंस को इनक्रीज़ करना हो किसी बैड सिचुएशन को इनक्रीज वो डिक्रीज़ करना हो उसके अलावा कॉन्फिडेंस को बेहतर करना हो जो एंग्जाइटीज़ को बेहतर करना हो उसको मैनेज करना हो बैड हैबिट्स जिसमें नेल बाइटिंग है और इस तरह की चीज़ें इसको अगर आपने मैनेज करना हो तो आप स्विच पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं किसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्विच पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं अब स्विच पैटर्न को आपने इस्तेमाल कैसे करना स्विच पैटर्न के लिए रिक्वायरमेंट क्या है देखिए आप स्विच पैटर्न को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट हिप्नोसिस एंड मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया कि अगर आप हिप्नोटिक स्टेट में करते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा क्यों इफेक्टिव होगा कि आप सब कॉन्शियस माइंड में जो एन की सजेशन देंगे तो वो ज़्यादा एंटरटेन होगी तो इसको हम इसलिए कहते हैं कि एन एल पी प्लस हिप्नोसिस इंटरवेंशन हम कर रहे हैं स्विश पैटर्न इज अ टेक्निक ऑफ न्यूरोस्टिक प्रोग्रामिंग एंड हिप्नोटिक स्टेट इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट ऑफ हिप्नोसिस सो इफ यू आर गोइंग टू कंबाइन हिप्नोसिस विद एन एल पी दैट विल प्रोड्यूस मच बेटर रिजल्ट एज कंपेयर टू कि आप सिर्फ स्विश पैटर्न टेक्निक इस्तेमाल करें पॉइंट क्लियर अब आपके पास दो फेजेस हैं इस इसको, इस इसको को इस्तेमाल करने के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हिप्नोटिक के साथ करवा लू yes. आपके yes. जी तो इसकी फिर दो इस टेक्निक में दो फेजेस आएंगी एक फेज यह है कि आप पहले क्लाइंट को हिप्नोटाइज करें yes. क्लाइंट को हिप्नोटाइज करने के बाद आप यह टेक्निक इस्तेमाल करें पॉइंट क्लियर अब जो हिप्नोसिस का प्रोसेस है आप क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे मैंने आपको लास्ट हिप्नोसिस वाले सेक्शन में अगर आपने जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की वो आप वीडियो भी देख सकते हैं कि आप किस क्लाइंट को हिप्नोटाइज कैसे करते हैं ठीक है हिप्नोटाइज करने का जो इन्वायरमेंट है वो आपने क्रिएट करना उसमें मैंने आपको टिप्स दिए थे अगर आप हिप्नोटाइज करना चाहते हैं तो टाइमिंग का ख्याल करें इवनिंग आवर्स आर मोर प्रेफरेबल टाइम फॉर हिपनोटिक सजेशन्स ठीक है वो इसलिए ज़रूरी है कि इवनिंग टाइम में नैचुरली बंदा आधा हिपनोटिक स्टेट में होता है क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि आपकी ब्रेन वेव्स इवनिंग आवर्स में स्लो हो जाती है कौन क्लियर एक तो प्रेफरेबली वो टाइम लें हाँ अगर कहीं मजबूरी तो मॉर्निंग में भी आप कर सकते हैं लेकिन मॉर्निंग में आपको वो माहौल बनाना पड़ेगा लाइक like, आपका रूम ऐसा हो जो थोड़ा सा डार्क हो लाइटेड ज़्यादा ना हो ब्राइट कलर दीवारों के ना हो पॉइंट क्लियर एक तो ये आपने जहन में रखना हाँ सिटिंग पोजीशन में यह है कि आपके पास जो चेयर होनी चाहिए वो रेकलाइनर की तरह होनी चाहिए बिल्कुल सीधी चेयर नहीं होनी चाहिए ठीक है इस तरह की चेयर नहीं होनी चाहिए तो चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा रेकलाइन हो सके यानी कि 45 के एंगल पे आ सके लेकिन इन केस अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको बना भी सकते हैं जिस तरह मैं आपको अगर जहमत दूँ काइंडली ठीक है तो आप इस चेयर पर आए ठीक है आपने थोड़ा सा आगे बैठना आगे कर हाँ थोड़ा सा आगे आप आगे बैठ के अब रिलैक्स हो जाए ठीक है यू कैन इंड्यूस सच काइंड ऑफ पोजिशन इस पोजिशन का फ़ायदा क्या ये हिपनोसिस में आपको कैसे लेके जाता है ठीक पहली बात ये मैं आपको करूँ कि आपने इस हिपनोटिक चेयर पर तब आपको क्लाइंट को लेकर आएंगे जब आप पूरी हिस्ट्री ले चुके होंगे और उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि आपने किस प्रॉब्लम के ऊपर काम करवाना है पॉइंट क्लियर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेयर के ऊपर मैं इनसे सारी हिस्ट्री लूंगा हिस्ट्री के बाद मैं इनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करूंगा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाने के बाद मैं इसे प्रायोरिटाइज करवाता हूं कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वन टू थ्री फोर फाइव कौन सा बड़ा आपका प्रॉब्लम है पॉइंट क्लियर इनी से मैं प्रायोरिटाइज करवाऊंगा और इस टेक्निक को हम चंकिंग कहते हैं क्या कहते हैं चंकिंग आप के जरिए इनके मुताबिक इनका बड़ा प्रॉब्लम क्या है वो आपने इसको आइडेंटिफाई करना ये ये जो खुद कहे कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इन वन सेशन यू विल बी ओनली गोइंग टू सॉल्व और रिजॉल्व और मैनेज वन इशू आप एट अ टाइम ज्यादा इश्यूज को हैंडल करेंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे और कोई भी हल नहीं होगा पॉइंट क्लियर अब जैसे ही आप उनका आइडेंटिफाई कर लेंगे उनसे एग्रीमेंट करेंगे उसी चेयर में फॉर एग्जाम्पल आप काइंडली एक दफा इधर आए जी मैं इस चेयर के साथ इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं इनके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहे हैं और जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये वाला है फर्ज करें लैक ऑफ सपोज ये अपने आप को रेट करते हैं कि मेरा सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो मैं इनसे फिर कहता हूं अच्छा फिर ठीक है कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दें कर दे इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं एग्रीमेंट वेरी गुड ट्राई टू सेंसिटाइज द इशू इन हिज माइंड ताकि जब आप इसको सेशन दें ये इसका इशू सबसे ऊपर आके बैठा हो और उसको स्विश करना फिर आसान हो अगर आप उसको सेंसिटाइज नहीं ना करेंगे तो वो कहीं बीच में मिक्स हो जाएगा फिर वो सोचते सोचते उसके लिए मसला होगा आप इसको तीन चार दफा कहें कि ठीक है फिर कर दे पक्की बात है चले आ इधर आ जैसे आप एग्रीमेंट करते हैं आप उसकी चेयर चेंज करें और अगले पंद्रह सेकंड में इसको हेपनोटाइज करें क्योंकि अगले पंद्रह सेकंड में क्या होगा कि इसका क्रिटिकल माइंड काम ही नहीं करता यहां पे मैंने आपको एक असूल बनाया था कि अगर आप सडन पोजीशन चेंज करते हैं तो अगले पंद्रह बीस तीस सेकंड तक आप क्रिटिकली सोचते ही नहीं यू आर नॉट गोइंग टू थिंक क्रिटिकली तो आपने इस चेयर पर जैसे ही लाया अगर वो ग्लासेस यूज करता था आप उसकी ग्लासेज उतरवा सकते हैं क्योंकि जो टेक्निक मैंने आपको आई फैसिनेशन की दिखाई थी वो जैसे ही आप वो पिक्चर देखते हैं तो ये क्लाइंट आपका हो जाता है पॉइंट क्लियर आई फैसिनेशन मैंने आपको शायद बताई थी नहीं बताई चले कोई बात सो थ्रू आई फैसिनेशन आप इनको हेपनोटाइज कर सकते हैं ठीक है अगर हाँ अगर आपने जाहिर इस टेक्निक के लिए आपको डीप हिप्नोसिस की जरूरत नहीं है आप इसे सिंपल ये कहते हैं कि मैं आपको एक सेशन दूंगा जिसमें आपकी आइज क्लोज हो जाएंगी क्लोज आइज़ के साथ मैंने आपसे एक टेक्निक करवानी और इनका प्रॉब्लम क्या है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पॉइंट क्लियर अब मैंने इनको वो प्रोसीजर हिप्नोसिस का नहीं बताना कि हिप्नोस हिप्नोडाइज मैंने कैसे करना है वो एक मिस्ट्री में मैं रखूँगा वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लेकिन मेरा सेशन इनसे ये शुरू होता है कि जैसे आपकी मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ और जैसे आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी मैं आपसे ये एक्टिविटी करवाऊँगा वो एक्टिविटी क्या है वो इनको मैं समझा भी सकता हूँ ठीक है वो आपने इनको समझाना है पहले उसको स्विच पैटर्न समझाना है कि स्विच पैटर्न क्या होता है उनको बताने की ज़रूरत नहीं देखें मेरी एक बात याद रखें साइकोलॉजिस्ट के लिए मेरा एक पॉइंट है कि कभी भी आपने क्लाइंट को कोई टेक्निक ना बताएं कि इस टेक्निक का नाम ये है वो सबसे पहले घर जा के काम पता क्या करेंगे वो गूगल करेंगे गूगल में कोई आर्टिकल पढ़ेंगे वो कहेंगे यार इस चीज़ के लिए तो ये चीज़ होती नहीं है अब उसको नहीं पता कि जो थेरापिस्ट है उसने किस तरीके से या किस एंगल से उसको यूज़ किया है ही इज़ नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज उसका उतना डेप्थ नॉलेज नहीं है लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के बावजूद एक स्कीमा बना लेता है एक अपना स्कूल ऑफ थाट बना लेता है कि यार ये तो सही नहीं है या उसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट भी पढ़ लेगा तो और परेशान होगा सो so, यू आर रिक्वेस्टेड नाट टू शेयर द टेक्निकल वर्ड्स टेक्निकल टेक्निक्स विद योर क्लाइंट्स उसको मिस्ट्री में रखें इवन आप कुछ भी कर रहे हैं आप उसको बताने की जरूरत नहीं पॉइंट क्लियर अब जैसे मैं सेशन स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ सेशन मैं से स्टार्ट करूँगा देखें मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ पे आपकी आइज़ क्लोज हो जाएंगी और जैसे आपकी आइज क्लोज हो जाएंगी मैं आपसे एक एक्सरसाइज एक एक करवाऊँगा वो पहले एक्सरसाइज समझ लें क्या करें समझ ले अब मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा जरा मेरे सामने आ जाएं ताकि वीडियो का भी कॉन्सेप्ट है देखें जब आपकी आइज बंद हो जाएंगी ना ठीक है आइज जब आपकी बंद हो जाएंगी तो मैं आपको राइट साइड पे ना एक सिचुएशन इमेजिन करवाऊंगा यहां पे कौन सी साइड पे राइट साइड ठीक है आप जरा ग्लासेस उतारे काइंडली आप ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करवाना ये मुझे दे देते हैं जी आप क्या करेंगे मैं आपको एक सेशन दूंगा जिसमें आपकी आईज क्लोज हो जाएंगी ये इवन आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं ताकि उनको ये पहले से ही सजेस्ट होना शुरू हो जाए पॉइंट क्लियर yes. कभी भी ये चीजें एक दफा ना कहें उनको इसके ऊपर कंडीशन भी करें अच्छा ठीक है yes. जैसे मैं आपको एक सेशन दूंगा उसमें आपकी आइज बंद हो जाएंगी जब आपकी आइज क्लोज हो जाए तो मैं आपको आप, आपकी राइट साइड पर एक पिक्चर इमेजिन करवाऊँगा जो आपकी करंट पिक्चर है कौन सी पिक्चर करंट पिक्चर है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैन यू प्लीज़ क्लोज़ यूर आइज़ और अपनी राइट साइड पे एक पिक्चर बनाएं जो आपकी करंट पिक्चर है करंट पिक्चर वो होगी आपकी जिसमें आपको कॉन्फिडेंस इशू है जिस जगह पे भी आपको कॉन्फिडेंस इशू वो आप इमेजिन करें और जब आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है जो जो आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है वो आप इमेजिन करें जिसमें हार्ट बीट तेज़ हो, तेज हो सकती है ब्रीदिंग तेज़ हो सकती है पसीना आ सकता है ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करें जैसे आप इमेजिन कर लें आप मुझे बताएं जी हो गई आंखें खोलें आपने वो सारा इमेजिन कर लिया आप इवन ना भी पूछें उससे क्योंकि उसकी हो सकता है कोई प्राइवेसी हो कि वो ऐसी प्राइवेट बात ना रही इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप मेरी बात याद रखें थेरापिस्ट इज नॉट गोइंग टू हील द क्लाइंट ये पॉइंट लिख लें थेरापस्ट कभी क्लाइंट को हील नहीं करता थेरापिस्ट हमेशा फैसिलिटेट करता है हील कौन करता है उसका माइंड उसको हील करता कौन उसको हील करता है is His mind is going to heal himself. आप सिर्फ क्या कर रहे यू आर क्रिएटिंग एन माइंड उसको हील कर ले आप उसको एक ऐसी सिचुएशन पे लेके जा रहे हैं yes, अच्छा ये आपकी करंट पिक्चर यहां पे क्लियर होगी ऐसे-ऐसे. ऐसा क्लियर पक्की बात yes, एक दफा और और करें शाहवा क्लोज योर आइज प्लीज वो तमाम चीज़ें देखें अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी वो तमाम चीज़ें जो आपको वहाँ तंग करती हैं उसको सारे को इमेजन करें क्योंकि अगर कोई भी चीज़ रहेगी तो वो फिर उतना आपको इफेक्ट कम आएगा तो आप मैक्सिमम जितनी चीज़ें इसमें एंटरटेन कर सकते हैं करंट पिक्चर में करें जी yes, पक्की बात है आंखें खोलें ठीक हो गया अब होगा क्या कि आप जब बैठे होंगे और मैं आपको सेशन दूंगा और आपकी आईज क्लोज़ हो जाएंगी जब आपकी आईज क्लोज़ होंगी ना तो मैं आपको राइट right साइड पे ये पिक्चर अमेजिन करवाऊँगा जब अमेजन करेंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर होगा ठीक है, है? आपने मुझे उस फिंगर से लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से सिग्नल देना है कि मैंने ये अमेजन कर लिया पॉइंट क्लियर है कौन सी साइड पर राइट साइड कब जैसे आपकी आइज़ क्लोज हो जाएंगी ये मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जस्ट अमेजन योर करंट पिक्चर ऑन द राइट साइड पॉइंट क्लियर फिर क्या होगा कि फिर मैं आपको आपकी लेफ्ट साइड पे नीचे एक छोटी सी पिक्चर इमेजिन करवाऊंगा क्या करवाऊंगा छोटी पिक्चर छोटी पिक्चर और वो छोटी पिक्चर क्या होगी आपकी कॉन्फिडेंस की होगी जो आप चाहते हैं अच्छा आप समझते हैं कि ये मुझे कॉन्फिडेंस का जो इशू है ये ना हो तो क्या हो मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ उसको आप पॉजिटिव लफ्जों में क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं कॉन्फिडेंस uh, उसको कर कॉन्फिडेंस yes, एनर्जी कॉन्फिडेंस गुड कम्युनिकेशन ये yes, और सोच लें आपने वो वर्ड्स बताने जो आप चाहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस का जो इशू हो वो ना हो तो क्या हो क्या चाहते हैं आप लाइक like, हो सकता आप रिलैक्स रहना चाहते हैं sir, मैं अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ जी अच्छे तरीके से ठीक है हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन ठीक है अब आपने क्या करना मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ जिसमें आपकी आइज क्लोज हो जाएंगी जैसे आपकी आइज क्लोज हो जाएंगी मैं राइट साइड के ऊपर आपको एक पिक्चर इमेजिन करवाऊंगा जैसे आप पिक्चर इमेजिन करेंगे आप मुझे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से बताएंगे ठीक है जैसे ये सिग्नल आएगा फिर मैं आपको लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी पिक्चर इमेजन करवाऊंगा जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है क्या है फुल फुल ऑफ ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे आप वो पिक्चर इमेजिन करेंगे जो आप चाहते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एनर्जी रिलैक्सेशन गुड कम्युनिकेशन ये सारी चीजें आप जरा इमेजिन करें क्लोज योर आईज़ कर लें अच्छी तरह करें जी जैसे आप अच्छी तरह कर लें जो आप चाहते हैं उस छोटी पिक्चर में जो लेफ्ट साइड पे आ रही जी पॉइंट क्लियर yes. जी लें आँखें yes. अच्छी तरह हो गई या एक दफ़ा और कर लें कर लें चलें तसली कर ले हर जो आप बनना चाहती हैं उसमें डालें वेरी गुड हो गया yes. आंखें खोल yes. अब होगा क्या कि मैं आपको एक सेशन दूंगा जिसमें आपकी आइज क्लोज हो जाएंगी आपने हकीकत में क्लाइंट के साथ इसी तरह रिपीट करना yes, क्योंकि वो आज जब आप उसको सेशन देंगे वो मिनटों में उसका कॉन्फिडेंस ऐसे होगा ये आप उसको कंडीशन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अगेन yes. आपको मैं सेशन दे रहा हूं yes. ठीक है पर कॉन्फिडेंस को खत्म कर दें नहीं सर बेहतर करना वेरी गुड ठीक है ये इसको हम आइस ब्रेकर क्वेश्चन कहते हैं बिकॉज ही शुड नो कि हाँ मैं करने क्या जा रहा हूं ठीक है तो जैसे ही हम एग्रीमेंट किया ये ठीक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का जो इशू है इसको फिर खत्म कर दें सर। हाँ क्लियर है कर दें सर। ये एग्रीमेंट हो गया ठीक है एग्रीमेंट आपने उस शेयर पे करवाना जहां पे आप हिस्ट्री ले रहे थे ठीक है अब क्लियर हो गया इस यहीं पे आपने इसको समझा देना है कि हम करेंगे क्या देखें मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूं जिसमें आपकी आइज़ क्लोज हो जाएंगी जब आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी मैं आपको बंद आँखों में राइट साइड के ऊपर एक पिक्चर शो करूँगा ठीक yes. है उस पिक्चर में आपने वो तमाम चीज़ें इमेजन करनी जो आपके लिए बुरी हैं yes. जो आप ख़त्म करना चाहते हैं ठीक yes. है yes. जैसे आप इमेजिन करेंगे मुझे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे फिर मैं क्या करूंगा? लेफ्ट साइड पे छोटी पिक्चर इमेजिन करवाऊंगा जो आपकी कॉन्फिडेंस वाली पिक्चर है एनर्जी गुड कम्युनिकेशन वाली पिक्चर है क्लियर yes, yes आप जैसे वो इमेजिन करेंगे मुझे फिंगर से इशारा करेंगे फिर yes, sir. जैसे आप ये फिंगर से इशारा आएगा आपको ये साउंड आएगी इस साउंड के साथ वो आपकी पिक्चर बढ़ती जाएगी yes, कौन सी पिक्चर योर कॉन्फिडेंस पिक्चर इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग जैसे जैसे वो इंक्रीज होती जा रही है आप और कॉन्फिडेंट फील होते आप एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील हो रहे हैं पॉइंट क्लियर है और जैसे आपको लगता है ये छोटी पिक्चर जो कॉन्फिडेंस वाली पिक्चर इतनी बड़ी हुई कि करंट पिक्चर खत्म हो गई है उसको ओवरलैप कर दिया ठीक yes, है यू विल बी गिविंग मी सिग्नल विद योर इंडेक्स फिंगर ठीक हो गया देन आई विल बी काउंटिंग फ्रॉम वन टू टेन एट टेन यू विल ओपन योर आइज ठीक हो गया yes, आपका यही ही तरीका होना चाहिए क्लाइंट के साथ कि आप इस तरह उसको सेशन समझा रहे हैं पॉइंट क्लियर अब जिस चेयर पे आप ये सारा यहां तक आपने उसी चेयर पे बात करनी ठीक है फिर करें शुरू रेडी इधर आ जाए ये चेयर पर आ जाए चेयर चेंज किया आपने हिपनोटिक टेक्निक जो यूज करनी है ठीक है वो मैंने आपको दो तीन टेक्निक्स बताई थी कि आप हिप्नोटिक टेक्निक कौन कौन सी यूज कर सकते हैं उसमें एक आई फैसिनेशन टेक्निक भी है ठीक है देखिए मैं आपको इसके ऊपर अलहदा सेशन दे दूंगा अगर आपने नहीं सीखी तो फिर मैं आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कैन यू प्लीज रिलैक्स यूर सेल्फ ठीक है क्लोज यूअर आइज सिंपल आप कह सकते हैं ठीक है क्लोज यूअर आइज ठीक हो गया अब आप यहाँ से टेक्निक यूज कर सकते हैं ठीक है यहाँ से इसको ना डीप करने के लिए एक और टेक्निक हम यूज़ करते हैं ये हिपनोटिक टेक्निक है यानी कि आई फैसिनेशन में वो इस स्टेज में आम उसकी खुद ब खुद बंद होंगी मैं नहीं करवाऊंगा हिपनोटिक टेक्निक हम ऐसी यूज़ करेंगे जिसमें उसकी आइज पहले से खुद बंद हो जाएंगी ठीक है मैं सिर्फ उसको फैसिलिटेट करूंगा आइज़ उसकी जैसे ही क्लोज हो जाएंगी अब इस स्टेट को थोड़ा सा डीप करने के लिए क्लाइंट को अमेजन करवाया जाता है कहीं के जस्ट अमेजन योर सेल्फ एट द टेरस ऑफ योर होम ठीक है yes, ठीक है ना आप यहाँ पे, पे, पे यहाँ पे हाथ इधर रख लो ठीक है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर आपके पास इधर हो ठीक है सपोज आपने इसको हिपनोटिक टेक्निक के जरिए आइज इसकी क्लोज करवाई हैं ठीक है थीके? तो आपने इंस्ट्रक्शन एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि यू आर नॉट अलाउड टू ओपन यूर आइज एंड यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक फ्रॉम नाउ ओके ये दो चीजें नहीं करनी आप ठीक है यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक फ्राम नाव एंड यू आर नॉट अलाउड टू ओपन यूर आइज अंटिल यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू दैट सो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर ऑन द टेरस ऑफ योर होम When you imagine that you are on the terrace of your home, just give me the signal with your finger. Very good. Now just imagine that you are coming down on the ground floor, or just ground floor you are feeling more relaxed and relaxed. And when you reach on the ground floor, just give me the signal with your finger. Yes. Just find a place on the ground floor where you can feel relaxed. When you find a place on the ground floor, just give me the signal with your finger. नो जस्ट अमेजिन योर करंट पिक्चर ऑन योर राइट साइड वैन यू अमेजिन द करंट पिक्चर ऑन योर राइट साइड जस्ट गिव मी द सिग्नल विद योर फिंगर वेरी गुड नो जस्ट अमेजिन जस्ट अमेजिन अ स्मॉल पिक्चर ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन योर लेफ्ट साइड वैन यू अमेजिन दिस पिक्चर जस्ट गिव मी द सिग्नल विद योर फिंगर यस नो दिस पिक्चर ऑफ कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग जैसे जैसे ये पिक्चर इंक्रीज हो रही है आप और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं Yes, you are getting more confident and motivated and communication. You are feeling good in communication and confident and relaxed. Just like as you see a picture Bhati Ame confidence or boost. And when you feel and when you imagine that your desired picture has deleted the current picture, just give me the signal with your finger. Yes. Now I will be counting from one to ten at ten you will open your eyes. One, two, three, four. फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन वाइड अवेक अच्छा आपने लंच में क्या किया था का फ्रूट रूटीन में क्या खाते हैं लंच में यही बस। अच्छा सिर्फ फ्रूट खाते हैं वेरी गुड अच्छा डिफरेंट फ्रूट हो सकता है लेकिन खाते फ्रूट ही हैं इसके अलावा भी अच्छा इसके अलावा भी खाते हैं यूजुअली क्या खाते हैं वेरी गुड ठीक है ना आपकी फूड बहुत अच्छी वेरी गुड आ जाओ जी तो ये आपने यहाँ पे देखें दो तीन टेक्निक का इस्तेमाल मैंने किया ठीक है हमने स्टार्ट में एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया और ये हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने क्या किया ब्रेक द स्टेट ठीक है आई वॉज नॉट गोइंग टू आस्क कि उसने मुझे बता दिया ही वॉज ओके एंड ही वॉज फीलिंग फुल कॉन्फिडेंट गेव मी द सिग्नल विद फिंगर दैट मीन्स ही इज अ कॉन्फिडेंट कूल हैं वाई आई विल आस्क हाँ आप क्या फील कर रहे हैं इफ यू आर आस्किंग आफ्टर द सेशन अगर आप उससे फीडबैक ले रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं दिस इज एब्सोलूटली रॉन्ग क्योंकि वह दोबारा सोचने लग जाएगा अच्छा मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ एंड वेल ही आर शी वी ऑन द सेम पोजिशन जैसे वो आया था या आई थी सो दिस इज द ब्रेक द स्टेट आप उसकी उसकी स्टेट को क्या करते हैं ब्रेक mm -hmm. करते हैं पॉइंट क्लियर ये स्विच पैटर्न आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं अब स्विश पैटर्न एक और छोटी सी टेक्निक के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं देखें मैंने जो सजेशन दी कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं मैं लफ्ज बोल रहा था लेकिन मैंने लफ्जों के साथ पिक्चर को भी एसोसिएट किया क्या किया अब यह वाली प्री सपोजिशन वहां पर इस्तेमाल हो रही है कि यू आर सबकॉन्शियस माइंड प्रेफर इमेजेस देन वर्ड्स यू आर सबकॉन्शियस माइंड प्रेफर देन वर्ड्स कि वो इमेजेस को ज्यादा प्रेफर कर रहा है इसीलिए मैंने उसको इमेजिन करवाया कि ये पिक्चर है आपकी करंट पिक्चर अगर मैं सिर्फ वर्ड्स के साथ होता तो इसका इफेक्ट कम होना था और मैं बीच में hypnosis का स्टेट भी मैं आइज ओपन के साथ भी ये टेक्निक करवा सकता हूं लेकिन आइज ओपन के साथ उतना ये इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि आपका इमेजिनेशन लेवल उतना नहीं होगा Point clear? Yes. अब उसके साथ जितनी मेरी पहले से रेपिटेशन थी क्लाइंट इतना अब वो हाइपर सजेस्टेड हो गया था तो मैं जो कह रहा था वो वहीं पे पहुंच रहा था विद इन सेकेंड्स वो टेरेस पे फील कर रहा है इमेजिन कर रहा है फिर डाउन स्टेयर पर आया फिर ग्राउंड फ्लोर पर आया फिर उसने पिक्चर इमेजिन की फिर छोटी पिक्चर इमेजिन की फिर उसको बड़ा किया अब यहाँ पर एक और टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सर्कल टेक्निक कहते हैं इसके साथ सर्कल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो एक एसोसिएटेड टेक्निक है सर्कल अब सर्कल टेक्निक हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ठीक है आपका जो एक्सपीरियंस बूस्ट हो रहा होता है पॉजिटिव उसको पक्का करने के लिए हम उसको एक स्ट्रक्चर क्लाइंट से ड्रा करवाते हैं किससे ड्रा करवाते हैं ताकि वो जो कॉन्फिडेंस का या जो भी उसके पॉजिटिव बिहेवियर चेंज लाना चाह रहा था उसको उस स्ट्रक्चर के अंदर एसोसिएट कर दिया जाता किसके साथ उस सर्कल के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे आप में से कोई है जो रियल में सेशन लेना चाहता हो किसी जो मैंने आपको इश्यूज बताएं जिसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है परफॉर्मेंस का इशू है ठीक है उसके अलावा कोई बैड हैबिट है मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा आप खुद अमेजिन कर लेंगे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है देखें फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से आपको आप, आप साइकोलॉजिस्ट भी बैठे कि कुछ एरिया में आप ज़ाहिर हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं कुछ अप्रोचेज़ की एक ज़रूरत होती है लेकिन हिप्नोसिस और एन की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि मैंने आपको सही नहीं करना आपके माइंड ने आपको सही करना है सो मैं आपसे ख्वा ख्वा ऐसे पूछ लूँ कि आपको कहाँ परेशानी होती है अगर आप बताना ही ना चाहें तो या बता भी दें तो मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तो आपको इमेजिनेशन लेवल पे ला के वहीं पे सही कर रहा हूँ पॉइंट क्लियर तो आप में से कोई जैनवन में सेशन लेना चाहता है तो हम इसको कर सकते हैं जी ठीक है मैंने इनको तीन चीज़ें बताई गुस्सा फ्रेंड्स कम है ठीक है आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसका फ्रेंड ही कोई नहीं ठीक है इंट्रोवर्ट आइसोलेशन पसंद करता है लेकिन इसके दिमाग में आइडियाज बहुत आते हैं ठीक है इसके दिमाग में बड़े बनने के आइडियाज बहुत हैं ठीक है लेकिन इसके पास कोलेबोरेशन नहीं कि उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा सके ये प्रॉब्लम है इसका ठीक है फिर ज़ाहिर जब ज़्यादा एक ट्रेड का आपको पता चला ना कि आइसोलेटेड है इसके फ्रेंड्स काम में उसके साथ चार चीज़ें आगे और आएंगी क्या आया फ्रेंड्स अगर काम में तो ये अलीहदा रहता होगा अलीहदा रहता है तो ओवर थिंकर है ओवर थिंकर है तो नेगेटिव थाट्स ज़्यादा आती ठीक है अलहदा रहने वाला बंदा जो मोर प्रोन फॉर एडिक्शन होता है ठीक है जिसकी वजह से स्मोकिंग की तरफ भी आ गया ठीक है तो एक ट्रेड समझने के बाद आपकी लाइन ओपन हो जाती है जी और किसी को स्विश से हवाले से से सेशन हम जैन स्विश वाला इशू हो आ जाए जी आप बैठे जी क्या नाम क्या आपका नाम क्या फिजा अगर आपको रैंडमली कोई पूछे कि आपका नाम क्या तो क्या बताती हैं फिजा वेरी गुड आप किस महीने में पैदा हुई थी नवंबर में वेरी गुड किस इलाके में पैदा जी फैसलाबाद फैसला और ज़्यादा पहले तीन साल कहाँ पे स्पेंड किए हैं यानी कि बर्थ के बाद आप लाहौर शिफ्ट हो गई यानी कि आपके पहले तीन साल जो है वो लाहौर में गुजरे ठीक हो गए तो आपका क्या इशू क्या है एंजाइटी होती है कि एंजाइटी को कैसे आप एक्सपीरियंस करती हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन और सम uh, प्रेजेंटेशन के दौरान तो या मुझे इस हो आपके मेरे लेवल से थोड़ा अप साइड अब मतलब जैसे आपसे बात करूंगी या किसी ऐसे बंदे से बात करूंगी तो एंजाइटी होती है और तो अच्छा तो ये आपको ज़्यादातर कहीं क्लास रूम में होता है या ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन क्लास में होता है। उसको आप इमेजन कर सकती हैं हाँ कैन यू प्लीज़ क्लोज़ यूर एंड इमेजन ऑन योर राइट साइड कि आप प्रेजेंटेशन के दौरान क्या होता जी हो गया आप चेक क्या चाहती हैं इसके बदले में पॉजिटिव लाइन आपने बतानी है कॉन्फिडेंस आती है पक्की बात है ठीक है ये मैनेजेबल है कर दें पे ठीक पक्की बात है मैंने आपको एक सेशन देना है अब सेशन समझ लें कि क्या होना क्या मैंने आपको एक सेशन देना है जिस पर आपकी आंखें बंद हो जाएंगी जैसे आपकी आंखें बंद हो जाएंगी इस चेयर पे आप बैठी होंगी और इस पोजीशन में आपने बैठना है ये फाइल आपके पास यहाँ पर होगी आप लेफ्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड है राइट right. right. तो ये राइट साइड पे आपके पास ये बॉल पॉइंट होगी ये ऐसे पेज होगा और ये लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट नी के ऊपर होगा पॉइंट क्लियर ठीक है अब मैं आपको एक ऐसा सेशन दूंगा जिसमें आपकी आइज क्लोज हो जाएंगी जैसे आपकी आइज़ क्लोज होंगी ठीक है तो मैं आपको राइट साइड पे इमेजिन करवाऊंगा जो आपकी करंट सिचुएशन है अब करंट सिचुएशन आपने इतनी इमेजिन करनी जो रियल स्टेट में आपको रियल लाइफ में आपको जो फेस होता है यानी कि पसीना आ रहा है हार्ट बीट तेज़ है ब्रीदिंग तेज़ है ठीक है वो आप जितनी चीज़ें इमेजिन करेंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना अच्छी तरह इमेजिन करती ठीक है जब आप उसको अच्छी तरह इमेजिन कर लेंगी आप ऐसे ही मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से सिग्नल इशारा आएगा उसके बाद मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा लेफ्ट साइड के ऊपर छोटी सी पिक्चर इमेजिन करवाऊंगा जो आपकी पिक्चर किसकी है कॉन्फिडेंस की जैसे आप वो इमेजिन कर लेंगी फिर आप मुझे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगी जैसे आपको ये इशारा आएगा ना ये आप इशारा करेंगी तो आपको ये साउंड आएगी जैसे आपको ये साउंड आएगी साउंड के साथ आप कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएंगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा ना आपने इस बॉल पॉइंट पे ये क्लाक वाइज सर्कल ड्रॉ करना क्या करना जैसे जैसे क्लाक वाइज आप सर्कल ड्रा करेंगे आप में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाएगा और आपकी जो छोटी पिक्चर है वो बढ़ती भी जाएगी साथ साथ पिक्चर भी बढ़ रही है साथ साथ आप सर्कल भी ज़्यादा ड्रा कर रही हैं जैसे आप और कॉन्फिडेंस फील करेंगे सर्कल को तेज़ी से घुमाएंगी आप जैसे सर्कल तेज़ होगा पिक्चर और बढ़ेगी कौन सी पिक्चर कॉन्फिडेंस वाली जिसे हम फ्यूचर पिक्चर कहते हैं क्या कहते हैं फ्यूचर पिक्चर वो बढ़ती है जैसे और बढ़ेगी आप सर्कल को डीपली डीपली और तेज़ी से तीसरे स्टेप में आप घुमाएंगे सो दैट क्या आप फुली कॉन्फिडेंट फील करें जैसे आपको लगेगा कि आई एम फीलिंग अ गुड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो आपकी जो पिक्चर है जो डिज़ायर्ड पिक्चर है वह क्रंट पिक्चर को ख़त्म कर देगी जैसे क्रंट पिक्चर खत्म होगी आप फुली कॉन्फिडेंट फील करेंगी यू विल बी स्टॉपिंग ड्राॅंग दिस सर्कल एंड यू विल बी गिविंग मी द सिग्नल दिस फिंगर पॉइंट क्लियर जैसे आप फिंगर से इशारा आएगा मैं एक से दस काउंट करूंगा और दस पे आपने आंखें खोलनी पॉइंट क्लियर चलें आ जाएं इधर आ जाए फिर कर दें पक्की बात है जी आ जाएं जी आप अपने आप को जहां पे रिलैक्स फील करती वहां पे बैठ अब ये आप अभी से बॉल पॉइंट ले लें ठीक है ये ऐसे रख लें ताकि आप आपका नींव वो जो है वो क्लियर हो जाए ये लें ये हाथ उधर रखें यहाँ पे ठीक है जी पॉइंट क्लियर आप रिलैक्स फील कर रहे हैं ठीक है अब आपने सिंपल उस कैमरे की तरफ देखना है हाँ from now you are not allowed to blink your eyes and you are not allowed to speak from now point clear just focus in the lens of this camera and try to find a white spot in the camera yes you are not allowed to blink it yes just try to trace a white spot in the in the lens you are not allowed to blink it but if you feel your eyes are getting tired you can simply close your eyes but you are not allowed to blink yes close them tightly yes just imagine yourself that you are on the terrace of your home. When you imagine that you are on the terrace of your home, just give me the signal with your finger. Yes. When you feel that you are on the terrace of your home, just give me the signal with your finger. Yes. Yes. Just feel yourself that you are on the terrace of your home, just give me the signal with your finger. Yes. Very good. Just feel that you are coming down on the ground floor. When you reach on the ground floor, just give me the signal with your finger. Yes. Just feel yourself comfortable in a place on the ground floor where you can feel relaxed. When you find that place, just give me the signal with your finger. Yes. Now, just imagine your crunch picture on your right side. When you imagine a crunch picture of, on your right side, just give me the signal with your finger. Yes yes, when you feel your current picture on your right side, just give me the signal with your finger. yes. very good. yes, just give me the signal with your finger when you feel your current picture on your right side. yes. now, just feel your desired picture of confidence on your left side. yes. when you feel your desired picture of confidence, just give me the signal with your finger. yes. very good. yes. वेरी गुड जस्ट केव मी द सिग्नल डिज योर फिंगर वैन यू फील द पिक्चर ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन यूर लेफ्ट साइड यस यस नो यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस यस जैसे जैसे आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है आप सर्कल को ड्रा करना शुरू कर दें वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एंड कीप ड्राॅंग यस जैसे जैसे आप सर्कल ड्रा कर रही हैं आप में कॉन्फिडेंस बेहतर होता जा रहा है और आप रिलैक्स फील करती जा रही हैं उस सिचुएशन में वेरी गुड जैसे जैसे आपको लग रहा है कि आप और कॉन्फिडेंस फील कर रही हैं आपकी जो डिज़ायर्ड पिक्चर है कॉन्फिडेंस वाली बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है आप सर्कल को तेज़ी से बढ़ाते जाएँ वेरी गुड कीप इट ड्राइंग यस वेरी गुड यस जैसे जैसे सर्कल बढ़ता जा रहा आप और कॉन्फिडेंट फील करती जा रही हैं येस वैन यू फील कि आप एक अच्छे लेवल ऑफ़ कॉन्फिडेंस में पहुंच गई हैं आपकी जो पिक्चर है डिज़ायर्ड पिक्चर है कॉन्फिडेंस वाली वो डिलीट कर देती है आपकी करंट पिक्चर को जैसे वो डिलीट करती है एंड यू कैन स्टॉप ड्राइंग द सर्कल एंड गिव मी द सिग्नल विद योर फिंगर यस यू आर वेरी नियर वेरी गुड यस यू आर वेरी नियर व्हेन यू फील दैट यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट यू कैन स्टॉप ड्राइंग द सर्कल एंड गिव मी द सिग्नल विद योर फिंगर यस वेरी गुड यू आर वेरी क्लोज माशाल्लाह यस व्हेन यू फील दैट यू आर ओके दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ ओके फॉर यू यू कैन स्टॉप ड्राॅइंग द सर्कल एंड गिविंग द सिग्नल दुज यिंगर येस यूर वेरी नीयर येस आई विल भी काउंटिंग फ्राम वन टू टेन एट टैन यू विल ओपन योर आईज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड वाई डेक आपने लंच में क्या करा था जी हाँ लंच में कुछ भी नहीं लिया तो so यूजुअली क्या लेती हैं लंच में ठीक है आपने दो लाइनें लिखी थी मैं आपका हैंड राइटिंग मैंने लिया ठीक है आप देखें अपना नाम कैसे लिखते वेरी गुड आपका पानी का इनटेक बहुत कम है ठीक है और आपका हैंड राइटिंग भी बता रहा है कि लाइक जो है वो वो इश्यूज हैं ठीक है और आपको एक आर्ट बहुत पसंद है आई डोंट नो वो कौन सा है मैं इतना बता सकता हूँ जी चाबश जी अब समझ आया कि कौन कौन सी टेक्निक मैंने कहाँ से यूज़ की है एंकरिंग का पता चला एंकरिंग मैंने कहाँ पे यूज़ की है जैसे देखें एंकरिंग मुझे मुझे पता चल रहा था कि वो किस लेवल पे उसका कॉन्फिडेंस हो गया मैंने कॉन्फिडेंस को तीन लेवल पे डिवाइड किया था कितने लेवल पे तीन लेवल। थ्री लेवल पे यानी कि कॉन्फिडेंस जैसे ही ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है तो वो सर्कल शुरू कर देती है जैसे फिफ्टी पे आता है वो सर्कल तेज़ कर देती है जैसे सेवनटी फाइव आता है तो सर्कल तेज़ और डीप हो जाता है ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो जो गोल है वो 75 परसेंट अचीव हो गया और मैंने एंकरिंग का प्रोसेस क्या बताया था कि एंकर इज ऑलवेज गिवन व्हेन यू आर नियर टू द पीक ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस तो वो मैंने एंकर दिया और जैसे इस बच्ची ने मुझे बताया कि आई एम फीलिंग ओके एंड शी इज गोइंग टू स्टॉप द सर्कल शी इज गोइंग टू स्टॉप द सर्कल एंड शी इज गिविंग मी सिग्नल विद लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ठीक है तो मुझे पता चल इज ओके बट इफ आफ्टर दिस सेशन अगर आप क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको कितना आराम आया सबसे खतरनाक हरकत होती किसी थेरापिस्ट की ये मैं वीडियो में बता रहा हूं क्यों कि जैसे फर्ज करें मैं फौरी उसी इवेंट के बाद फौरी पूछता हूं उसका क्रिटिकल माइंड एक्टिव होगा वो एनालाइज करेगा कि मैं कितने परसेंट ठीक हुआ हूं वो बाकायदा ये एनालाइज करने के बजाय वो दोबारा उसी स्टेट में चला जाएगा रिलैप्स हो जाएगा सो so मैंने आपको ये बताया था कि आप एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम ब्रेक द स्टेट कहते हैं और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है यानी कि जब भी आप किसी से को काम लेने जाए जैसे आपका काम हो जाता है ना तो काम होने के बाद उस काम के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाता उसके बाद चाय रोटी की बात होती है दिस इज द ब्रेक द स्टेट के आप उस माहौल से निकल के किसी और माहौल की बात करते हैं दिस इज कॉल्ड ब्रेक द स्टेट तो मैंने यहाँ पे एक ही सेशन में मैंने कोई 10 से 12 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया शायद आपको आइडिया हुआ मैंने एग्रीमेंट से स्टार्ट किया मैंने हैंड राइटिंग सैम्पल से एनालाइज किया बच्ची की मॉडेलिटी से मैंने एनालाइज किया कि इज शी बिलोंग्स टू एन इमोशनल पर्सनैलिटी जिससे मेरी उसके साथ वॉइस टोन स्लो हो गई थी आपने अगर नोट किया मैंने जैसे इनके साथ सेशन कर रहा था या वैसे बात कर रहा हूँ वैसे मेरी आवाज यहाँ पे नहीं थी बिकॉज शी बिलोंग टू एन इमोशनल सजेस्टिबिलिटी और मेरी वॉइस टोन उसके मुताबिक गई फिर एक और चीज़ जहन में रखे कि क्लाइंट की आंखें बंद हैं क्लाइंट की आंखें मैं खड़े होकर सिंपल सजेशन ऐसे भी दे सकता हूँ अच्छा आप ये कर लें ये कर लें मैं ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था क्योंकि ये मेरी बॉडी लैंग्वेज उसके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफर कर रही थी मेरी वॉयस में ये मेरा झुकना उठना ये मैटर करता है हालांकि मुझे पता है कि उसकी आईज़ क्लोज हैं मैं अपनी वॉयस को मैनेज करने के लिए अपनी बॉडी को ऊपर नीचे ला रहा था पॉइंट क्लियर अगर आप खड़े हो कि एक ही जगह पे वो दे देंगे मैसेज उससे फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है और मैंने कौन सी टेक्निक यूज की सर्कल टेक्निक वाली आई एम द फाउंडर ऑफ दिस टेक्निक ये इसके ऊपर पेपर मेरे रिसर्च आर्टिकल इसके ऊपर है ठीक है आप आप को, कोड कर सकते हैं कि दिस सर्कल टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर डार यू हैव द ऑप्शन टू मेंशन मी समवेयर कि ये टेक्निक और ये टेक्निक सर्कल ही क्यों इसके ऊपर आप मेरे साथ साइंटिफिक क्वेश्चन करें ये सर्कल क्यों है? कोई और चीज आपने क्यों नहीं ड्रा की बिकॉज ये इंफिनिटी में है फर्ज करें मैं कहता कि इसकी जगह आप ये स्केयर ड्रा करें तो स्केयर तो खत्म हो जाना था वो कहता अभी तो मैं सही नहीं हुई सर्कल इज अनलिमिटेड इट्स गोइंग हालांकि ये चीजें मुझे वीडियो पे नहीं बतानी दिस इज वेरी एक्सपेंसिव नॉलेज दिस इज वेरी एक्सपें उसकी बहुत साइंस है ठीक है एक तो हम एसोसिएशन देते हैं देखें एक एसोसिएशन टेक्निक मैंने यूज की है एसोसिएशन से आपको ट्रस्ट डेवलप होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आप कोई हमें बुजुर्ग कहते हैं जिस तरह कोई हमारे पीर किसी ने कह दिया कि आपने काले बकरे का सदका देना हालांकि सदका आप किसी भी बकरे का दे दें गोश्त वैसा ही होता लेकिन काले के साथ एक एसोसिएशन है हमारा हमें यकीन हमें देने के बाद बड़ा अच्छा फील होता है कि यार मैंने काला बकरा शुक्र मिल गया ठीक है एक तो ये एसोसिएशन है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर क्लाइंट समझता है कि समथिंग इज इन इन द लेफ्ट इंडेक्स इसी में कुछ है एक इसका ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है दूसरा इसका फिजिकल इंपैक्ट है फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूं कि आप रिंग फिंगर आप ही उठाएं चलें आप नी के ऊपर रखें हाथ शाबाश आप रिंग फिंगर उठाएं रिंग दूसरी वाली हाँ ये आप उठाते हुए आपको तकलीफ होगी थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगी आप उठाएं जरा है ना अब लेफ्ट इंडेक्स फिंगर उठाएं लेफ्ट कोई भी कोई भी लेफ्ट आप हाँ आसान है yes. आपको बिल्कुल देखें ये पता है क्या ये क्या चीज है आई एम गिविंग द ऑप्शन टू द क्लाइंट एनएलपी आपको ऑप्शन क्रिएट करती है मैं उससे वो काम ना करूँ जिससे उससे तकलीफ उससे ना. उठे ना जब नहीं उठेगी हो सकता है वो यहां से एक और प्रॉब्लम लेके मेरे से जा रही है घर जाके बताया कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये आपने फिंगर उठ मेरे से टूट थी मैं तो सही नहीं हूँ आपको लाइक वो एक प्रॉब्लम सही करवानी ही थी आपने एक और प्रॉब्लम दे दिया शाहजी लोग सब बहुत से लोग आपको साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ साइकोथेरापी ये गलत है वो भाई आप ये लफज आपको बीमार कर देते हैं देखिये जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है वो कहीं 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 काउंसलिंग से मारा हुआ आपके पास आया कहीं से उसको गलत काउंसलिंग हुई जिसकी वजह से उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और इसी तरह इन द सेम वे यू कैन आल्सो इंड्यूस अ प्रॉब्लम इन द क्लाइंट जैसे वो आपसे जा रहा है तो आपने कम्युनिकेट कैसे करना है ऑप्शन में करना है किस में करना है दिस इज वाई एन एल पी आस्क फॉर द ऑप्शन अब मेरे पूरे सेशन में क्या था सारे ही ऑप्शन थे मैंने आपको आप बताएं आपको प्रॉब्लम क्या है आप ही बताएं आपका दिमाग ही आपको सही करेगा ठीक है साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू ट्रीट अ पेशेंट अ क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट ओनली हेल्प हिम और हर हीज माइंड टू हील हिम सेल्फ आर हर सेल्फ उसके माइंड ने उसको चैनलाइज करना है आपने सिर्फ हेल्प करना है और हेल्प करते हुए देखें मैं आपको किसी भी साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्टेड क्लाइंट को सही करना इतना ही मुश्किल है कभी आपने एक गेम खेली है? पानी वाली जिसमें पानी होता छोटे छोटे बॉल एक बास्केट में डालने होते हैं। आप जरा गौर से समझिएगा मैं आपको उसके मिसाल दे रहा हूं आप थोड़ी देर के लिए समझें कि वो जो बास्केट है ना वो दिमाग की खोपड़ी है क्या है उससे दिमाग हिल के बाहर आ गया उससे दिमाग हिल के बाहर आ गया। अब साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्टेड क्लाइंट वही होता है जिसका दिमाग हिला होता है पॉइंट क्लियर अगर उसके दिमाग को आप उस बास्केट में रखना चाहते हैं आपने वो पानी वाली गेम जरूर खेली होगी जब आप पानी वाली गेम खड़े हो कि इस तरह खड़े हो के ऐसे ठाक ठाक करके डालेंगे डलेगी पानी वाली गेम में उस बास्केट बाल को बास्केट में डालने के लिए आप पता क्या करते हैं फर्ज कोई मोबाइल है आपके पास जी ये फर्ज करें ये वो गेम है सॉरी बन लॉक लगा हुआ ना ठीक हाँ जी फर्ज करें इसमें पानी बास्केट इसके अंदर है अब मैं बास्केट में वो बाल यानी कि ब्रेन को मैं बास्केट में डालना हूं। ये देख ये ले अगर आप अपने क्लाइंट के साथ इस तरह फ्लेक्सिबल नहीं होते ये तो मैं फिजिकल एक फ्लेक्सिबिलिटी ये तो एक मिसाल दे रहा हूं इसी तरह आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी है क्या है इफ यू आर नॉट देखें मैं बात ही फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर कर रहा हूँ अगर आप फ्लेक्सिबल ना होते ना तो ये बाल बास्केट में जा ही नहीं सकता था तो आप अपने जो क्लाइंट्स हैं ना उनको ये समझें कि ये वाटर गेम है उनका माइंड आपने जब डालना है ना तो हर पॉसिबल टेक्निक यूज करें और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर बाल जा रहा है बिल्कुल बास्केट के साथ गया और आपने ऐसे हिला दिया तो वो खत दोबारा उसी जगह पे चला जाएगा ठीक है तो आपने एंकर कहां पे देना है फर्ज पे बास्केट में बाल जा रहा है ए ये एंकर आपने एंकर देखा कैसे है? यहां पे मैंने दिया तो एंकरिंग कहां पे देनी जी बेटा सर, का एक सेशन बूस्ट करने के लिए है। बिल्कुल हाँ एक सेशन में डायरेक्शन सेट हो सकती है अनलेस कि आप उसके साथ इंटीग्रेटेड चीजें सारी सेट करें देखिए एक्सपीरियंस को पक्का करने के लिए ना मैंने आपको शुरू में भी एक मिसाल दी थी देखें स्विच पैटर्न खुली आंखों के साथ भी किया जा सकता है उसका उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा ऐसे ही मिसाल है ना कि आपकी फ़र्ज करें बर्थडे और आपके पास एक सादा सा घर में केक बना के काट दिया जाए कौन याद करेगा उस केक को दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके लिए कोई केक लेके आए पीसी से लेके आए उसमें बंटीज लगी हों उसके ऊपर चॉकलेट्स लगी हों ओरियो भी लगाओ ठीक है फिर एक लाइट भी उसके ऊपर वो शुरली सी होती वो भी रख के वो लगाया जाए जितनी चीज़ें आप ऐड करेंगी आपके लिए वो मेमोरेबल हो जाएंगी इसी सेशन में जितनी टेक्निक आप ऐड करेंगे उसका जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन हुआ है वो ज़्यादा फिक्स होगा देखें एक और चीज़ उन एक होता है फियर एक होता है एंगजाइटी दो चीज़ों को हमने जो है वो ए, करना है ठीक है उसके लिए टेक्निक्स डिफरेंट है बेसिकली ये वाला जो सेशन है सेशन था ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू तो स्ट्रेस हम समाइम एक स्टेज एंग्जाइटी का लफज यूज़ करते हैं बेसिकली वो स्टेज एंग्जाइटी नहीं होती स्टेज स्ट्रेस होता है क्या होता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी हमने डिफाइन करना है देखिए मैंने आपको बताया था कि एंजाइटी वो इशू होता है जिसकी रीजन का क्लाइंट को पता ही ना हो कि क्यों हो रहा है वो क्या चीज है अगर मुझे पता है कि मेरे से टीचर आगे बैठे ये क्वेश्चन पूछेंगे स्टेज के ऊपर तो मुझे डर लग रहा है तो ये स्ट्रेस है क्या है अब स्ट्रेस को और तरीके से केटर किया जाता है और एंग्जाइटी को किसी और तरीके से केटर किया जाता है और आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने सेशन देना ना तो सेशन के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है देखिए आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट तब आप बन सकते हैं जब आप दूसरे की इंपॉर्टेंस को भी शो करें देखिए जिंदगी में याद रखें जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना उनके पीछे एक रीजन नहीं होती अगर एक रीजन हो तो वह आराम से कैटर हो जाए और इसी से मैं एक और चीज आपको बताता हूं जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज या डिसऑर्डर्स हैं उनका क्योर नहीं है क्योर का मतलब आप आप उसको खत्म नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते खत्म इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी वजह एक नहीं है वजह कई है तो जब वजूहत कई हैं, ज्यादा वजूहत हैं तो जो जो वजह है आप उसको ट्रीट करें फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक फर्ज करें कॉन्फिडेंस का इशू था वो तो आपने फर्ज करें आपने थेरापी से ठीक कर दिया किससे अब फर्ज करें मेरे में कॉन्फिडेंस है लेकिन नॉलेज नहीं है मैं आके आके ये तो कह सकता हूँ सॉरी मुझे पता नहीं लेकिन वो कहूँगा मैं कॉन्फिडेंस कि आई एम सॉरी लेकिन उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेटजीज चाहिए क्या चाहिए स्ट्रेटजीज पढ़े आप देखिए ये मेरा ये आपका काम है ये सही करना बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये आपने करना है फर्ज करें आप आपको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लगता है कॉन्फिडेंस चलो ठीक अगर मेरे पास एनएलपी का नॉलेज ना हो तो फिर मेरा वो कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो जाएगा आपने साथ स्ट्रेटजीज भी देनी है क्या देनी है स्ट्रेटजीज भी देनी क्लाइंट को कि भाई ठीक है आपका कॉन्फिडेंस का बेसिक इश्यू ये सही हो गया लेकिन आपने स्ट्रेटजीज आप जिस एरिए में आप काम करते हैं उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए और स्ट्रेटजीज के साथ साथ आपने उसको ऑप्शन भी देने क्या देने ऑप्शन भी देने और उसे हम काउंसलिंग कहते हैं और यह टीसीएस अप्रोच लेके चलता है एक साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कि वो सिर्फ अपना काम किया और चला गया उससे इतना फायदा नहीं होगा और इस अप्रोच को हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं क्या कहते हैं integrated. कौन सी अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर एक्जाम्पल एक बच्चा है उसमें कॉन्फिडेंस बेसिक आ गया लेकिन उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो कोई आइल्स का टीचर लेके दें उसको अब वो आपने जो प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन हैं उसकी तरफ आए जी पॉइंट क्लियर सो सर्कल टेक्निक का आपको आइडिया हुआ तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो स्विच पैटर्न में हमने क्या क्या चीज़ें यूज की स्विच पैटर्न इट्स एक टेक्निक हमने यूज की हिप्नोसिस की टेक्निक यूज़ की एग्रीमेंट हमने यूज किया फिर एंकरिंग आपने यूज की ब्रेक द स्टेट आपने किया हमने अभी इस अभी तक मेटाफोर यूज नहीं किया था ठीक है अभी हमने मेटाफोर यूज नहीं किया ठीक है तो उसके बाद हमने इमेजिनेशन, एसोसिएशन को यूज किया किसको यूज किया एसोसिएशन को यूज किया जिस तरह लेफ्ट इंडेक्स फिंगर एक एसोसिएशन थी फिर आपने सर्कल टेक्निक यूज की क्या की सर्कल टेक्निक सर्कल टेक्निक जो एक्सपीरियंस आप यहां पे गेन कर रहे हैं सर्कल उसको बूस्ट कर रही है एनालिसिस आपने असेसमेंट के लिए यूज किया किसके लिए यूज किया assessment. आपने मोडलिटी को देखें मुझे तो पता चल गया क्लाइंट को आते ही आपको पता चल जाता है इसकी मोडेलिटी क्या ठीक तो है तो मोडेलिटी आपने असेस कर ली वो एक इट्सल्फ एक टेक्निक है ठीक है तो इतनी टेक्निक्स आप एक सेशन में करेंगे तो आपका जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस है वो बहुत रिच जाएगा और जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन होगा दैट विल सस्टेन हाँ आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि बेसिक आपकी जो बिहेवियर पॉजिटिव बिहेवियर की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई है लेकिन आप इसको बूस्ट कर सकते हैं यू कैन रिकमेंड अ बूस्टिंग सेशन जो चेंज आई उसको मजीद पक्का किया जा सकता ठीक है साथ आप पता है क्या करते हैं देखें साथ आप साइकोसोशल इश्यूज के लिए कुछ फूड स्ट्रैटेजीज़ देते हैं क्या देते हैं ये सब मुझे हैंडराइटिंग से पता चला ये बच्ची पानी कम पीती है तो आप इसको पानी रिकमेंड करें इसको वाइटामिन सी रिकमेंड करें इस अप्रोच को हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं आई एम द फाउंडर ऑफ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी इन पाकिस्तान न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी में सिर्फ दो बंदे काम कर रहे हैं एक डॉक्टर होल काम कर रही हैं अमेरिका में जॉन एफ़ कैनेडी यूनिवर्सिटी में होती हैं और दूसरा मैं कर रहा हूँ मैंने न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के ऊपर एक मॉडल एक मॉडल दिया लिटरेचर को जिसे थ्री डब्ल्यू मॉडल थ्री डब्ल्यूज़ मॉडल ऑफ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं आप जब गूगल करें आपको वो पूरा आर्टिकल मिल जाएगा आप उसको पढ़िएगा तो साथ साथ देखें साइकोलॉजी सिर्फ अगर साइकोथेरापी करता तो उसका रिजल्ट आपको बहुत कम मिलेगा यू नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच देखें एक बच्चा आता है आप वो एंगजाइटीज़ और स्ट्रेस से आप उसे वाइटामिन सी रिकमेंड करें वाइटामिन सी जो है ना इस तरह के वाइटामिन जितने भी आते हैं ठीक है ये वो अंडर द काउंटर जो है वो मेडिसन है जो आप वैसे ले सकते हैं इसकी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं ठीक है आप समझते हैं कि आपको वाइटामिन सी जो आप फ्रूट में डेली ले रहे होते हैं और वाइटामिन सी जो है वो जिन में वाइटाम सी की डेफिशिएंसी होती दे आर मोर प्रोन फॉर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटीज़ तो आप साथ ये अप्रोच भी साथ लेके चलें यू कैन रिकमेंड सम फूड लाइक सबसे ज्यादा वाइटामिन सी जिस तरह गावा में अमरूद में ठीक है ग्रीन चिली के अंदर है और इस प्लान के ऊपर सबसे ज्यादा जिसको स्ट्रेस होती है ना वो बर्ड्स हैं। और बर्ड्स में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होती वो है वो पैरट है दिस इज द रीजन वाई पैरट इज गोइंग टू हैव ग्रीन चिलीज एंड गावा उसकी फेवरेट फूड है ठीक है तो इससे हम देख सकते हैं अगर आप अपनी डाइट में वाइटामिन सी बहुत कम देखें आपकी बॉडी वाइटामिन सी खुद नहीं बनाती यू हैव टू टेक फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस तो आप स्ट्रेस और एंजाइटीज़ वाले क्लाइंट को दो चीज़ें रिकमेंड करें ज़्यादा पानी और वाइटामिन सी का इस्तेमाल ठीक है वो चीज़ भी उसको हेल्प करेगी साथ आप स्ट्रेटजीज दे रहे कि भाई आपने साथ पढ़ना भी उसके काम के मुताबिक आपने नॉलेज भी हो तो कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है ना वो साथ स्ट्रेटजीज आपको हेल्प करेंगी ठीक उसको ऑप्शन दें काउंसलिंग का काउंसलिंग करें साथ में आपने इंटरवेंशन कर दी है बेसिक आपने डायरेक्शन सेट कर दी है अब डायरेक्शन जब सेट हो जाती तो उसको आगे फिसिलिटेट करना बहुत आसान होता जी स्विश uh, पैटर्न में हाँ आप कर सकते हैं खुद से ये टेक्निक आप कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो खुद करना चाहता है ना उसको जरूरत नहीं होती ये मैं फिलासफीज बता रहा हूँ फर्ज करें मैं चाहूंगी ये टेक्निक मैं अपने लिए कर लूं आप ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको ये जरूरत ही नहीं होगी और जिसमें ये प्रॉब्लम है उससे होता नहीं है उसको हेल्प चाहिए गॉट इट तो ये ये चीजें जी इसके अलावा जी आपको शाह जी इनको मैंने पहली टेक्निक बताई जो थेरापटिक टेक्निक है इससे पहले हम एक बेसिक से कैनल और वो सारी टेक्निक जो हमने पीछे पढ़ी इस सेशन में हमने उसको उसी एक सेशन में सबको इंक्लूड किया मोडेलिटीज को इंक्लूड किया, किया। सजेस्टेबिलिटी को इंक्लूड किया जिस तरह मोडेलिटीज़ कौन सी मोडेलिटीज है तो आपने किस तरह उनसे बात करनी है ठीक है एग्रीमेंट को हमने एक्सरसाइज किया एग्रीमेंट कैसे एंकरिंग को हमने इस्तेमाल करके देखा ठीक है उसके बाद स्विश पैटर्न इट है जो है वो हिपनोसिस को हमने ट्राई किया यहाँ पर तो इनशाला नेक्स्ट जो हम टेक्निक करेंगे वो है टाइम लाइन थेरापी टाइम लाइन थेरापी इज़ रियली इंडिकेटेड फॉर मैनेजिंग एंगजाइटीज़ और अगर आपको सिर्फ टाइम लाइन थेरापी आती है यू कैन एटलीस्ट मैनेज अराउंड ट्वेंटी प्रॉब्लम साइकोसोशल प्रॉब्लम्स इन योर क्लाइंट्स अगर आपको ये टेक्निक एक आती है तो आपका क्लिनिक सेवेंटी परसेंट क्लिनिक आप इसी एक टेक्निक पे चला सकते हैं क्योंकि यूजुअली यही जो प्रायोरिटी वाले प्रॉब्लम है यही है जीफी इस देखें इसका आंसर मैं आपको ऐसे देता हूं देखें बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं देखें कि मैंने इमेजिनेशन में तो कर इमेजिनेशन में मुझे कॉन्फिडेंस है लेकिन जब मैं रियल में जाता हूँ तो कैसा होगा देखें ज़िंदगी में एक बात याद रखें जो एरिया जो एरिया ब्रेन का एरिया फिज़िकल चीज़ों को प्रोसेस करता ना अगर वो ब्रेन एरिया आप इमेजिनेशन से एक्टिव कर लें तो वो वही काम करेगा नहीं समझे आपने उसको एक्टिव करना है फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अगर आप किसी फैमिली के साथ अगर आप कोई डिनर करें फिजिकल यानी कि आप बिल्कुल डिनर कर लें लाइव डिनर कर रहे हैं आप जितना इंजॉय करते हैं उसको आप मैयर कर लें कि ये मैंने कितना इंजॉय किया और एक दिन रात के किसी पहर में आप उसी तरह इवेंट को मेमोराइज करें इमेजिन करें मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि आप फिजिकल सेशन से ज्यादा इंजॉय करेंगे इमेजिनेशन में दिस इज वॉइस वर्सा अगर आप इमेजिनेशन में एक चीज इतनी इंजॉय कर रहे हैं तो आप रियल में भी ऐसे होंगे बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस स्टार्ट फ्रॉम यूर माइंड आप यहाँ से प्रिपेयर नहीं तो आप कुछ भी नहीं है इसका आंसर ये साइंटिफिक आंसर साइंटिफिक लाइन दी आप उसको सर्च भी कर सकते हैं पॉइंट क्लियर दिस इज द रीजन देखें एक शाह जी एक प्रॉब्लम है जिसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं कन्वर्जन साइकोलॉजी सारे बैठे कन्वर्जन डिसऑर्डर में शाह जी ये होता है कि आपको फिट्स पड़ते हैं और उसकी रीज़न सिर्फ थाट होती है और वो फिट इतना ही होता है जिसे मिर्गी वाला फिट है अब मिर्गी की रीजन ब्रेन में प्रॉब्लम है और कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या है सोच है सोच क्या हो सकती कई मैंने कई क्लाइंट देखे सोच ही हो सकती है कि जी मेरी बहन मेरे से ज्यादा खूबसूरत है तो उससे जेलसी जब वो सोचती है ना बहन को तो उससे ये फिट पड़ जाता ये स्ट्रेस है ठीक है ना मेरे फादर मुझे अच्छा नहीं समझते ये स्ट्रेस है मुझे इग्नोर कोई करता है ये स्ट्रेस है यानी कि देखें स्ट्रेस क्या है थॉट है आपको एक थॉट उतना ही इंपैक्ट दे रही जितना एक रियल डिसऑर्डर आपको इफेक्ट देता है इसका क्या मतलब हुआ फिर कि अगर आप अब वो जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है वो किसी मेडिसन से नहीं ठीक होने वाला वो सोच सही करने वाला बंदा सही कर सकता मेडिसन उसके ऊपर आप आर्जी तौर पे काम करेगी लेकिन जब तक आप सोच ट्रैक पे नहीं लेके आएंगे वो आप सही नहीं होंगे इसका मतलब है आपने इमेजिनेशन और थॉट्स की पावर को मैयर किया कि क्या कर सकती वो आपको इवन फिजिकल सिम्टम्स उतने ही प्रोड्यूस कर सकती जितना एक डिसऑर्डर कर सकता तो ये चीज आपने याद रखनी इफ यू पुट समथिंग इन इमेजिनेशन दैट विल वर्क रियल एज एन इमेजिनेशन ये साइंटिफिक आंसर मैंने आपको दी जी जी सर

आप आप देखें आप सजेशन वर्ड से भी ले सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से भी ले सकते हैं देखिए दैट डिपेंड्स ऑन योर बिलीव सिस्टम अगर आपका रूहानियत के ऊपर जितना ज़्यादा बिलीव है अगर आपके सामने एक ख़ास माहौल में कोई इस तरह कर रहा है यू कैन ऑल्सो डू आप में होना शुरू हो जाता है फ़र्ज़ करें मैं आपको बड़ी मिसाल नहीं देता ये जाहिर एक एक्स्ट्रीम मिसाल है फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी म्यूज़िक आप बैठे हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं ये देखें आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अचानक म्यूज़िक शुरू हो गया तो आपका हाथ ऐसे हिलना शुरू हो जाता है ये क्यों हिल रहा भाई उसका कनेक्शन है ठीक है वो आपको मजबूर कर रहा है ये आपका म्यूज़िक सुनना आपका इतना सा बिलीव था जिसकी वजह से उसी इम्पेक्ट का आप ये कर सकते हैं अगर आप एक उसी तरह के माहौल में आपका एज ग्रुप सेम है आपका जो स्कूल ऑफ थॉट एक है तो आप कर सकते हैं, जो वाले सारे और से करते हैं वो नहीं उसमें एक्सट्रीम है मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन एक जो जैन किस्म का वो भी वो बिलीव के साथ है हाँ लेकिन टाइम कुछ सिचुएशन को हाइपर किया जाता कि जिस तरह वो करंट वाला सीन है आई कॉन्ट बिलीव ऑन दिस कि इट्स इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता ठीक है आप एक रूहानियत की कैफियत में आप झूम सकते हैं ठीक है जिसका मैंने आपको बताया कि जैसे म्यूज़िक चलना शुरू हुआ तो आपकी ये फिंगर ऐसे ऐसा होना शुरू हो गई अगर ये ऐसे हो सकती है तो आपका सार भी ऐसे हो सकता इसमें थोड़ा सा आगे जाएं वो भी हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में इंजॉय कर रहे हैं हाँ और उसको आपने पहले इमेजिन किया हुआ पहले एक्सपीरियंस किया हुआ तो वो ज़्यादा होगा और ये ये एग्जिस्ट करता है

आपकी जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो जिस तरह नुसरत ने भी शायद कहा था कि मैं अगर इस तरह म्यूज़िक पर हो सकता है ये पहाड़ गिर जाए यानी इस वाइब के साथ मैं एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ आप म्यूजिक बजा रहे हैं तो उसका इफेक्ट होता है तो हमारी बाडियों पे भी होता है हाँ कौन सा जी हो सकता है इन कैरेक्टर इनहेरिट किया हुआ है हमने अपना ये ऐसी चीज इनहेरिट नहीं होती ये बेसिकली आप शुरू से सीख ही रहे होते हैं एक फैमिली में आप शुरू से ग्रो कर रहे हैं ना तो ये लर्निंग है ये क्या है ये लर्निंग है इसमें कोई मेडिटेशन का रोल है मेडिटेशन का रोल नहीं मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं जैसे सर ने काफी थीओने के थीओने के नहीं तो थीओने थीओने है। सर उसमें उसमें ना उसमें एनएलपी का कॉन्सेप्ट है जिसे हम मॉडलिंग कहते हैं गुण. क्या कहते हैं फर्श करें आप एक कंपनी में बैठना शुरू फर्श करें मैं आज पहले दफा रूमी के मज़ार पे जाता हूँ हो सकता है मैं वैसा बिहेव ना करूँ इट्स नाइनटी परसेंट चांस कि मुझे कुछ नहीं होगा ठीक है हाँ अगर मैं बार बार वहाँ पे रह रहा हूँ ना बार बार तो मेरे के मेरे अंदर वो एक कंडीशनिंग होना शुरू हो जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको खाने से मिसाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से बड़े बच्चे जब उन्होंने पहली दफ़ा पिज़्ज़ा खाया होगा तो उनको अच्छा नहीं लगा होगा मुझे भी अच्छा नहीं लगा था लेकिन जब आप रूटीन में आपको खाने में ही वो मिल रहा है वो आप आप कंडीशन हो जाते हैं और उससे अच्छी चीज़ आपको कोई होती नहीं है फिर जो लोग कॉफ़ी शुरू में स्टार्ट करते हैं क्या लगता है यार अजीब लगता है अब सीक्रेट है जितनी ड्रग्स है ठीक है तो फिर आपकी वो कंडीशनिंग हो जाती है क्या हो जाती है कंडीशनिंग हो जाती है हाँ अगर आप एक खास स्टाइल से झूमते हैं ना तो आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं अगर आप एक रफ तरीके देखें मैं आपको ये एक मिसाल देता हूँ <laughs> हाँ <laughs> फॉर एग्जाम्पल देखें ये जो रे, रिदम होता है ना वेव होती है वेव से आप सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा जाते हैं देखिए जिस तरह म्यूजिक चल रहा है ना म्यूजिक एक रिदम है आपको टच कर रहा है कानों को टच आपकी बॉडी में जा रहा है तो उससे आप मेजमराइज होते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं तो इसीलिए तो अगर आपने किसी का क्रिटिकल माइंड ऑफ करना है उसको कोई रिद एक बात सुनाएं है रिद बात म्यूजिक में हो सकती है पोइट्री में हो सकती है आपका फिजिकल रिदम ऐसे हो सकता है बच्चे को गाड़ी में बिठाएं क्यों जल्दी सो जाता सो नहीं रहा जैसे गाड़ी में बैठा नींद आ गई एक खास फ्रीक्वेंसी में वो रिदम में जाता है बच्चे को हम ऐसे क्यों करते हैं देखिए जब भी आप रिदम में जाते हैं ना तो आपकी ब्रेन वेव स्लो होती हैं ब्रेन वेव्स जितनी ज्यादा स्लो होती जाएंगी आप नींद की तरफ चलते जाएंगे और जितनी ब्रेन वेव स्लो हो जाएंगी उसमें जो आपको सजेस्ट किया जाएगा आपको अच्छा लगेगा फर्ज करें आप एक खास थोड़ी पांच मिनट के लिए आप म्यूजिक सुना ना फर्ज करें म्यूजिक चला हल्का सा डांस शुरू हुआ दो चार डांस के लिए आएंगे ठीक है थोड़ी देर बाद एक बंदा जो म्यूजिक पाँच मिनट से सुन रहा था अब वो भी मैदान में आ गया ठीक है या उसको हल्का सा हाथ लगाया पहले नहीं आ रहा था हल्का सा हाथ लगाया आ गया क्योंकि अब वो हाइपर सजेस्ट हो रहा है क्या हो रहा है क्योंकि रिदम से आप सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं और मेरी बात याद रखें जब भी आपने किसी को सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना है तो दैट कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेटजी आप उसको रिदम में लेके आए ठीक है जिस मैंने आपको लास्ट टाइम एक शेर सुनाया था जिसका कोई मतलब भी नहीं था लेकिन उसमें रिदम था और वो अच्छा लगा था लोगों को ठीक है कौन सा शेर था जब से देखा है तेरे हाथ का चांद मैंने देखा नहीं रात का चांद हालांकि इसमें कोई मीनिंग मैं नहीं लेकिन एक रिदम था हाँ <laughs> <laughs> तो ये जब भी आपने किसी को हाइपर सजेस्ट करना हो आप रिद्मिक माहौल बनाएं क्या बनाए रिदमिक आप रिदम में बात करेंगे अगले को अच्छी लगेगी पोइट्री क्यों अच्छी लगती लोगों को हाँ रिदम है उसमें yes. म्यूजिक अच्छा लगता है हमें समझ ही नहीं आ रही होती ठीक है ना हम बहुत से ऐसे गाने जिस तरह स्पेनिश गाने हमें पता ही नहीं है लेकिन उसमें एक खास रिदम है हमें अच्छा लगता जिस तरह वो क्या था हाँ वो डेस पी सी तो हमें नहीं पता उस गाने में क्या लेकिन हमें अच्छा लगता है अब वो जो स्पेनिश गाना है सी सीतो वो मेरा ख्याल है कि दुनिया का नंबर वन गाना अभी भी शायद वही है हाँ हाँ लिंक ही नहीं है लेकिन उसमें रिद म्यूजिक है वी आर लिस्निंग टू म्यूजिक ओनली जी देखें पानी के पानी से हट के एक आपकी बॉडी में चीज़ होती है जिसे हम करंट कहते हैं हमारी बॉडी में इट करंट है ठीक है तो वो पानी तो दूर की बात है हमारी बॉडी में करंट है जो 0.7 सेवन मिली वोल्ट के करीब होता है दिस इज़ द रीज़न के जब आप बिजली को हाथ लगाते हैं तो आप आप मर जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी से करंट गुजर जाता आप किसी लकड़ी से या उससे हाथ लगाएं तो आपको कुछ नहीं होता बिकॉज उसमें से करंट नहीं पास करता इसमें करंट है तो करंट करंट से पास होता तो आपकी डेथ हो जाती आप में हैवी वोल्टेज क्योंकि आप में पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन मिली वोल्ट है तो ये टू फोर्टी वोल्ट है जब आप इतनी तार में थोड़ा सा करंट इसमें अगर फर्स्ट करें फोर हंड्रेड वोल्ट आ जाए तो ये सारी आपकी सप्लाई जल जाती है होता है ना समाइम ऐसे तो आपकी बॉडी में तो जाहिर टू गुजरता है तो उसमें ऑलरेडी करंट है तो ये हमारी जो साउंड है ये करंट के जरिए आगे जाती है फर्ज करें मैंने साउंड कान से सुनी है ना कान से लेके ब्रेन तक ये साउंड जाती है तो बिजली की वजह से जाती उस ब्रेन सेल्स के ऊपर बिजली होती जिसकी वजह से वो ट्रैवल करके जाती ये तो जाहिर है पूरी साइंस सही है सही है ये पॉइंट से सेवन मिली मिली वोल्ट में होता है ठीक है चार <laughs> नहीं नहीं चार सौ चालीस तो बहुत बहुत वोल्टेज है वो तो आपको आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसे गुजरेगा और आप ख़त्म हाँ इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते इवन थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए ना ये जो हमें एपिलेप्सी के झटके लगते हैं ये करंट की वजह से लगते हैं कि वो करंट ज़्यादा हो जाता वो करंट फर्ज करें ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर बन गया अब ट्यूमर में ज़्यादा सेल्स बन गए क्या हैं आपको पता है ट्यूमर एक ज़्यादा सेल्स अब सेल्स होते हैं अब जैसे ही वो करंट गुजरेगा तो वो ज्यादा सेल में गुजरेगा तो ओवरऑल करंट ज्यादा होगा तो उसकी वजह से आपको झटका लगेगा तो एपिलेप्सी आपको पीछे रीजन एपिलेप्सी की ट्यूमर हो सकती तो ट्यूमर की वजह से आपको इतना झटका लग रहा है तो ये जी और कोई क्वेश्चन <laughs> हाँ कोशिश करें कि अगले जो हमारे सेशन इसको आप में भी सी को प्रैक्टिस करना चाहता तो कर ले क्योंकि आपको इन्हीं सेशंस का फ़ायदा होगा और ये हकीकत में ये जितने मैं एक्सप्लेन सेशन कर रहा हूँ ये वीडियो के लिए तो बहुत कमा तरह तो कोई शायद ना बताता हो कि मैंने आपको जो सही टिप्स बताई हैं कि आपने सेशन कैसे कंडक्ट करना ठीक है तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव होगा और मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है मेरा जो क्लाइंट का फीडबैक है बहुत अच्छा ठीक उस है उसमें एंगजाइटीज़ हैं आपको मैं चार से पांच टेक्निक्स करवाऊंगा जिसमें सर्कल टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो सब टेक्निक के साथ आप यूज़ कर सकते हैं तो इसको हम एसोसिएटिव टेक्निक कहते हैं क्या कहते हैं दैट वॉज डिवेल्प बाई मी सेल्फ ठीक है तो वो आप टेक्निक सब के साथ ताकि एक्सपीरियंस को फर्दर पक्का करने के लिए तो आप उसको और वो सर्कल टेक्निक आपको एक फीडबैक भी दे रही है कि क्लाइंट कहाँ पहुँचा है इसका ये भी फ़ायदा अदरवाइज़ आप पूछ पूछते नहीं क्योंकि आप क्लाइंट से पूछेंगे ना आप कहाँ पहुँचें तो वो क्रिटिकली सोचेगा और मसला आपका हल नहीं होगा मैंने तो टेक्निक ही ऐसी डेवलप कर दी है क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइंट कहाँ पे है कहाँ पे पहुँचा है टेरेस पे है नीचे आया है ठीक है ये ये तो बिल्कुल आपको सेल्फ प्रोडक्टिव टेक्निक है आपको बता रहा है क्लाइंट खुद ही और उसके बाद पूछने की ज़रूरत नहीं उसके बाद आप पोस्ट हिप्नोसिस काउंसलिंग कर सकते हैं आप फूड से रिलेटेड काउंसलिंग करें कैरियर से करें ठीक है रिलेशनशिप डिपेंड करता है उसका इशू क्या है फैमिली स्ट्रक्चर क्या है तो आप उससे रिलेटेड कोई काउंसलिंग कर सकते हैं दस पंद्रह मिनट के लिए तो आपको ओवरऑल सेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि 40 फोटी मिनट्स के ला इतना सेशन हो सकता है ठीक है फिर थैंक यू